ना तो पार्किंग की कोई व्यवस्था है। जो भी विधायक इसको आगे करने के लिए, हमारे व्यवसायों को आगे बढ़ाने के लिए आगे आएगा, उसी के लिए हम उसी के लिए वोट देंगे। हिमाचल में लोकसभा चुनाव के साथ साथ इस बार 6 विधानसभा क्षेत्रों में भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। धर्मशाला भी उन विधानसभा क्षेत्रों में शामिल है जहां उपचुनाव हो रहे हैं। धर्मशाला स्थित हिमाचल अभी-अभी के संवाददाता मनोज ठाकुर ने धर्मशाला के मतदाताओं से जानना चाहा है कि वो कैसा विधायक चाहते हैं। आइए देखते हैं ये वीडियो। प्रत्याशी तो जी हमें जो भी व्यावसायिक रूप से हमारे कामों को आगे पहुंचाएगा। हमारे धर्मशाला में इस टाइम व्यवसाय की हालत बहुत ही बुरी है, ना तो पार्किंग की कोई व्यवस्था है। जो भी विधायक इसको आगे करने के लिए, हमारे व्यवसायों को आगे बढ़ाने के लिए आगे आएगा, उसी के लिए हम उसी के लिए वोट देंगे। और बाकी जो आपके सामने इस बार का चुनाव सबसे अलग होगा, क्योंकि इस बार समीकरण बहुत से अलग हैं। जो धर्मशाला के बारे में सोचे, यहाँ की डेवलपमेंट करवाए, और ये सुधीर शर्मा जी पहले भी करवा रहे थे और हम चाहते हैं कि आगे भी उनको मौका मिले और दोबारा से यहाँ से जीत के आए। क्या लगता है किस तरह के रहने वाले हैं? नहीं, एक तरफा ही होगा ये तो, सुधीर शर्मा जी ही जीतेंगे इसमें तो। जो काम करे, जनता की भलाई करे, ठीक है कि नहीं, नौकरी दे बेरोजगारों को, ठीक है ना, तो ऐसे ही देखना चाहते हैं। अभी नए देखना चाहते हम तो, ना हमारा क्या नाम था, जग्गी को देंगे, वोट भी देगी, कांग्रेस की है, हम कांग्रेस को ही देंगे। देखिए 3 प्रत्याशी है इस वक्त, लेकिन मेरे सबसे तो मैं राकेश चौधरी को देखना चाहता हूँ, क्योंकि राकेश चौधरी पिछली बार एक बार पहले आज़ाद से आए थे तो भी उन्हें काफ़ी वोटों से लोगों ने निभाया था। इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी से उन्हें 24,000 वोट तकरीबन पड़े थे। इस बार किसी कारणवश उनकी टिकट को काट दिया गया, तो इस बार वे आज़ाद के तौर पर वो इस बार आए हुए हैं मैदान में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में कहीं ना कहीं वो इस बार बाजी मार जाएंगे।